यस मैम। ओके एक्सरसाइज नंबर 9.2 सम नंबर 5th एंड पार्ट नंबर 4 वी वांट टू ऑब्टेन हियर द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, हमें यहाँ पर चाहिए तो सम हम यहाँ पर लिखते हैं पहले। दैट इज ए टू बी थ्री सी एंड 6 ABC एंड 6 ABC। ओके, वी वॉन्ट टू डू हियर द प्रोडक्ट ऑफ दिस, किसका हमें प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लीकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है उसे। हाउ टू राइट दिस, ए मल्टीप्लाई विथ 2B मल्टीप्लाई विथ 3C। ये जो हमने ब्रैकेट पुट किया है, इट मीन्स वी हैव टू डू हियर द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द टर्म्स 6 ABC। ओके, हाउ टू मल्टीप्लाई दिस, किस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई हियर द कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, जो न्यूमेरल्स हैं आपके पास, पहले आप उन्हें मल्टीप्लाई करवा दीजिए, उसके बाद हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या फिगर है न्यूमेरल्स में, 2, 3 एंड 6। इट मीन्स 2, 3 जा 6 एंड 6, 6 जा 36। सो डायरेक्ट यू हैव टू राइट योर 36 इन दैट नाउ वेरिएबल। अब हमारा ये न्यूमेरल्स वैल्यू कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या लेंगे, अब यहाँ से सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स विच आर सेम हियर, ए एंड ए, ए मल्टीप्लाई विद ए ए स्क्वायर है ना, बी मल्टीप्लाई विद बी बी स्क्वायर एंड सी मल्टीप्लाई विद सी सी स्क्वायर। नाउ लास्ट आंसर इज 36 A² B² C² दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी हैव हियर। बहुत शॉर्ट टाइप इसमें होता है, या तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं इस टाइप के सम, या आपसे 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आपसे सेपरेटली उन्हें कैलकुलेट भी करवाया जा सकता है। ओके, ठीक है मैम, एनी अदर प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज, नहीं है, इन द नेक्स्ट वन पर यूज करेंगे फॉर इट। सो विच लॉ वी आर यूजिंग हियर, बिकॉज वी हैव हियर द बेस आर सेम। देखिए बेस सेम है, साइन भी सेम है उसका, तो बेस आर सेम, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, देन पावर्स आर एडेड। ओके, इट मीन्स a raise to the power m multiply with a raise to the power n, that is equal to a raise to the power m plus n। तो वही लॉ हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। बेस क्या है इसका, -2 एंड पावर्स क्या है यहाँ पर, -3 प्लस -4। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ टर्म्स, ठीक है, इस तरीके से आप वहां पर मेंशन कीजिए, देन चेंज देयर द साइन, प्लस माइनस माइनस, सो -3 -4 इन दिस -2 होल पावर इज -7 बिकॉज द साइन आर सेम, -3 एंड -4 बोथ आर हैविंग देयर द सेम साइन, सो वी कैन एड देम। इसे ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने क्या दिया यहाँ पर, -2 होल पावर इज -7। हमने ये कहा है यहाँ पर जो सम मैंने आपको स्टार्टिंग में लैंग्वेज दिया, सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, बट वी वॉन्ट हियर द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब हुआ, हमें यहाँ पर ये पावर देना ही देना है, इसी में आंसर शो करना है, इसे कैलकुलेट नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, देन वी कैन चेंज दिस नेगेटिव पावर इन द पॉजिटिव वन, कि इसे आप पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, देन यू हैव टू डू देयर द रेसिप्रोकल ऑफ इट, कि इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पर कर दें, इट मीन्स 1 अपॉन -2 होल पावर इज
7. कि ये जो नेगेटिव साइन है इसके लिए वो किसमें चेंज हो जाएगा, आफ्टर रेसिप्रोकल पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसके लिए जो हमने यहाँ पर अपना लॉ यूज किया है अकॉर्डिंग टू दिस, वो लॉ क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, a रेस द पावर माइनस m दैट इज इक्वल टू 1/ a रेस द पावर m. ओके, इफ यू नो अबाउट द लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट देन इजिली यू कैन डू दैट, कि आप इसे कर सकते हैं. और यदि नहीं है, लॉज पता नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी. यदि मैंने यहाँ पर आपको लिटन में नहीं दिया होता एक्सपोनेंशियल के लिए, देन एट द लास्ट ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट योर द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कैसे करते हैं, देन यू हैव टू राइट योर 7 टाइम्स माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई देम आफ्टर इट, जो भी आपका आफ्टर लास्ट जो भी मल्टीप्लीकेशन होता उसे आप यहाँ पर रिटर्न में देते. ठीक है, बट हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में चाहिए, तो लास्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, 1/ माइनस 2 होल पावर इज 7. तो ये फर्स्ट सम था इसका. नाउ द सेकेंड वन, कि जो सेकेंड सम है वो क्या है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट्स फाइंड द वैल्यू. 1/2 होल पावर इज माइनस 2 प्लस 1/3 होल पावर इज माइनस 2 प्लस 1/4 होल पावर इज माइनस 2. ठीक है, हमें यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना था, और वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है. थर्ड सम भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि हम कैलकुलेट जल्दी से कर पाए. दिस वन इज माइनस 2 होल पावर इज m प्लस 1 मल्टीप्लाई विद माइनस 2 होल पावर इज 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 होल पावर इज 7. ठीक है, तो ये आपके पास सम था थर्ड, पहले हम उसे क्लियर कर लें सेकेंड सम, देन वी हैव टू डू हियर द थर्ड वन ऑल्सो. देखिए इसमें क्या करना है, इन दैट फर्स्ट वी हैव टू चेंज हियर द नेगेटिव पावर इन द पॉजिटिव वन. कि हम सबसे पहले क्या चाहेंगे कि जो हमारी नेगेटिव पावर्स हैं वो किसमें चेंज हो जाए, पॉजिटिव में, जिसे इजिली हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, सो हाउ टू चेंज दिस, देखिए अभी मैंने एक सम आपको करवाया है, सेम ही पैटर्न यहाँ पर भी मिल गया मुझे. सो इन दैट वी हैव टू यूज हियर द लॉ ऑफ दिस. क्या लॉ है हमारे पास, कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ है, इन दैट वी हैव देयर इन द डिनोमिनेटर नेगेटिव पावर. ठीक है, भाई न्यूमरेटर में तो है, बट न्यूमरेटर में आपके पास क्या है, 1 है. अब 1 के लिए कितना भी पावर आप लिख दीजिए, वही सेम नंबर 1 ही आना है ना. तो यहां पर मीन वही हुआ हमारा, है ना, मीन क्या हुआ यहाँ पर, देन इन दिस इफ यू हैव देयर द न्यूमरेटर वैल्यू इन द नेगेटिव पावर विद द नेगेटिव पावर, देन इजिली वी कैन डू हियर द रेसिप्रोकल ऑफ इट एंड दैट विल चेंज इनटू द पॉजिटिव वन. और यदि डिनोमिनेटर में आपके पास नेगेटिव पावर है तो भी आपने उसका रेसिप्रोकल किया, और उससे रेसिप्रोकल करते ही आपको क्या मिल गया है, पॉजिटिव पावर. तो वही हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि भाई जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी, इट मीन्स वी हैव देयर 2 रेस टू द पावर 2, पॉजिटिव में चेंज हो गया, प्लस 3 रेस टू द पावर 2 प्लस 4 रेस टू द पावर 2. इफ यू नो अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देन इजिली यू कैन डू दैट. ये चीज मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसलिए लॉस पे फोकस कीजिए. कई बार आपसे लॉस आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि ये लॉ बताइए क्या होगा, है ना. अब ये देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए,
क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट हियर द वैल्यू, वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो पावर्स मुझे नहीं चाहिए, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे. टू स्क्वायर है, इट मीन्स टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन एंड फोर फोर जा सिक्सटी. नाउ एड इट, इसे एड कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए. तो यहाँ पर एडिशन आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वेंटी नाइन. ठीक है, ये सेकेंड था आपका. थर्ड वन, अब देखिए थर्ड के लिए हमें क्या करना है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट योर द एम वैल्यू. हमें एम वैल्यू कैलकुलेट करना है, बट एम तो पावर पे है ना, तो इसमें हम किस तरीके से करें, इस एम के लिए हम क्या करें, तो इस एम के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वी आर यूजिंग योर द एक्सपोनेंट लॉज फर्स्ट, कि हम यहाँ पर वही एक्सपोनेंट लॉज तो यूज कर ही रहे हैं. तो क्या लॉ यूज हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज आई हैव देयर द बेस वैल्यू आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन देन पावर्स आर एडेड. तो हम यहाँ पर पावर्स को क्या कर दें, एड कर दें. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस टू होल पावर इज एम प्लस वन प्लस थ्री. ठीक है, एंड माइनस टू होल पावर इज सेवन. अब पावर्स हमने यहाँ ऐड किए हैं, तो जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म है उन्हें आप इजीली ऐड कर सकते हैं. ऐड देम, माइनस टू एम प्लस दिस वन इज फोर, थ्री प्लस वन माइनस टू होल पावर इज सेवन. हाउ टू कैलकुलेट योर द एम वैल्यू फॉर इट, किस तरीके से आप एम वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इन द बोथ साइड, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन, बाई इक्वलिटी साइन है यहाँ पर. ऑन द बोथ साइड आई हैव देयर द बेस वैल्यूज आर सेम विद द साइन, कि भाई यहाँ पर भी माइनस टू है लेफ्ट में भी और राइट में भी, क्या है बेस वैल्यू में माइनस टू है. इफ यू हैव देयर द बेस वैल्यूज आर सेम देन इजिली यू कैन कंपेयर देयर द पावर्स, कि वहां पर आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, पावर्स कंपेयर कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपेयरिंग द पावर्स. जैसे हमने कहा कंपेयरिंग द पावर्स, सो हाउ टू राइट दिस, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पावर में क्या है, एम प्लस फोर, इक्वलिटी साइन है, पुट देयर द इक्वल साइन. एंड राइट हैंड साइड आई हैव देयर द सेवन, दैट इज इक्वल टू सेवन. नाउ दिस इज द इक्वेशन, इजिली आई कैन कैलकुलेट दिस, ये तो हमें आता ही है. क्या होगा, ट्रांसपोजिंग आप करवाएंगे, सेवन माइनस फोर दैट इज इक्वल टू थ्री. ये वैल्यू कितना हो गया, थ्री हो गया है. हाउ टू चेक माय आंसर, कि भाई मेरा जो आंसर है दैट इज करेक्ट और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेयर वी हैव देयर द एम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एम है, यहाँ पर आप इस एम वैल्यू को पुट कर दीजिए. एम वैल्यू आपके पास है थ्री, थ्री प्लस फोर इज सेवन. नाउ ऑन द बोथ साइड आई हैव देयर द सेम फिगर्स, कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया है. तो मैं इजिली ये भी चेक कर सकती हूँ दैट वैल्यू इज करेक्ट और नॉट. तो हमने यहाँ पर अपना करेक्शन भी देख लिया कि भाई हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ना. तो इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं. ओके, तो इसमें एक और सम और है, जल्दी से हम उसे कर ले. वन मोर एक्सप्रेस इन, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्रेस करना था फोर्थ सम. इससे पहले जो हमने अपनी क्वेरी क्लास ली थी उसमें मैंने सिखाया भी था हाउ टू राइट योर द डायरेक्ट वन, कि उसमें डायरेक्ट वन किस तरीके से लिखते हैं. बट यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना था आपको, यहाँ पर कैलकुलेट करके शो करना है. डायरेक्ट के लिए आप कब यूज करेंगे, जब आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन करेक्ट करना हो, है ना. ऑब्जेक्टिव आपको दिया हो और उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना हो, वहां पर आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए. अदरवाइज आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जब आपको वो मार्किंग कैलकुलेशन में दिया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके लिए, देन फर्स्ट डिलीट हियर द दिस डेसिमल एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू राइट योर द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स,
कि आफ्टर डेसिमल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 7 8 9 10. Now I have here the value of it, 942 10 raised to the power 10. अब इसके लिए प्रोसेस हमने ये बताया था कि भाई यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है. तो जो भी आपका नॉर्मल भी जो भी नंबर्स हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, जो भी स्टार्टिंग इसका डिजिट है, आफ्टर इट वी वॉन्ट देयर द डेसिमल, डेसिमल चाहिए हमें. अब उसके लिए बेसिक क्या सिखाया गया था, इफ यू हैव देयर द टेंस डिजिट फिगर देन यू हैव टू डिवाइड विद द 10. इफ यू हैव देयर द 101 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इस तरीके से. यदि आपके पास 1000 में वो फिगर है, नंबर है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर भी हमें वही करना है. इसके लिए दो प्रोसेस हैं, या तो आप इसे यहाँ पर 942 मल्टीप्लाई विद 10^-10 कर दीजिए, या यहीं से आप 100 को ऑप्ट कर लीजिए. बोथ आर करेक्ट, है ना, दोनों ही करेक्ट हैं. तो यहाँ पर चाहे तो आप यहां से 100 ले लीजिए. 100 लेने का मतलब क्या हुआ, इफ आई विल सेलेक्ट हियर द 100, इट मीन्स 10^2. कि 10^2 मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया है बिकॉज आई हैव हियर द टोटल कितना है यहां पर 10. तो वहां हमने जब 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 जीरोस हमने यहां पर सेलेक्ट करके सेपरेट कर दिए, तो रिमेनिंग जीरोस आपके पास क्या हुए, दैट इज ओनली 8. ये चीज क्लियर है कि हाउ टू राइट दैट, कैसे लिखा है हमने, दैट इज क्लियर फॉर यू बेटा, देन हाउ टू राइट दैट. ओके, अब यहां से आप क्या करें, इसे डिवाइड कर दें, देन आई हैव योर द फिगर 9.42 मल्टीप्लाई विथ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट 10^2 इन द डिनोमिनेटर, 8 हमें ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम इसे क्या करवाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे. और जैसे हमने इसे न्यूमरेटर में लिया, दैट पावर चेंज इन टू द नेगेटिव साइन, कि वो जो पावर हमारा पॉजिटिव में था वो किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव साइन के साथ चेंज हो गया है, ठीक है. एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर. इसके लिए डेसिमल नंबर था लास्ट सम, आपको यूजुअल आपको फॉर्म लिखना था, ठीक है, उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन में आया था और उसका यूजुअल फॉर्म आपको लिखना था. तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे वो और देखें. 1.0001 मल्टीप्लाई विद 10^9. इसे यूजुअल फॉर्म में लिखना था. यूजुअल का मतलब नॉर्मली हम विदाउट डेसिमल चाहते हैं इसे, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, दैट विल मल्टीप्लाई विद 10^9, इट मीन्स 1 2 3. ओके, हमने इसके डेसिमल को अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी हैव टू पुट देयर द डेसिमल पॉइंट. तो हम क्या करें, 10^9 है, इट मीन्स वी हैव टू पुट हियर द 9 जीरोस. नाउ वी हैव टू पुट हियर द डेसिमल. अब हम यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन. हाउ टू पुट दिस, 1 2 3 एंड 4. From the right hand side, we have to count the other digits. कि यहाँ पर हम digits count करेंगे और कितना digits हमें चाहिए, 1 2 3 4. Now put here the decimal for it. And the last answer is कि ये जो 4 zeros हैं, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, delete हो जाएंगे. Remove क्यों कर रहे हैं हम इसे, because after decimal if I have here the zeros, नो इम्पोर्टेंस फॉर इट, कि इसकी इम्पोर्टेंस फिर नहीं रहती है. तो हम यहाँ पर केवल क्या लिख दें, जीरोस यहाँ पर लिख रहे हैं ओनली, और ये हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव करवा दिया है. सो लास्ट आंसर फॉर इट दिस वन, ठीक है, ये इसका यूजुअल फॉर्म था. विदाउट डेसिमल हमें इसे कैलकुलेट करना था, किस तरीके से किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे करेक्ट कीजिए. जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आया है उसका करेक्शन मैंने इसलिए आपको करवा दिया है, किस तरीके से आपको यहाँ पर अपने जो सम थे वो करने थे और कैलकुलेशन लिखना